नमस्कार किसान साथियों, साथियों सूरजमुखी की उन्नत खेती, साथियों सूरजमुखी की खेती कर आप अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें। किसान मित्रों सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। किसान साथियों सूरजमुखी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं। साथियों बात कर लेते हैं प्रमुख किस्मों की। तो साथियों सूरजमुखी की एकमात्र लोकप्रिय किस्म है मॉडर्न। साथियों इसके अलावा आजकल बहुत ही हाइब्रिड वैरायटियां उपलब्ध हैं, जैसे BHS1, KBSS1, ज्वालामुखी, MS FH17, सूर्या आदि। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं सूरजमुखी की बुआई के समय की और विधि की। साथियों सूरजमुखी की फसल प्रकाश संवेदी है, अतः इसे वर्ष में 3 बार अर्थात रबी में, खरीफ में और जायद ऋतु में बोया जा सकता है। किसान साथियों अगर आप जायद मौसम में सूरजमुखी की खेती करते हैं तो फरवरी के प्रथम सप्ताह से फरवरी के मध्य सप्ताह तक इसकी बुआई कर लेवें। अगर आप रबी सीजन में इसकी बुआई करते हैं तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों जायद मौसम में कतार से कतार की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं बीज दर की। तो साथियों 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। तो साथियों बुआई से पूर्व आप 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर 5 से 7 टन वर्मी कंपोस्ट खाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिला देवे। इसके अलावा साथियों अच्छी उपज के लिए सिंचित अवस्था में यूरिया की 130 से 160 किलोग्राम मात्रा काम में लेवे। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट 350 किलोग्राम और पोटास लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेवे। साथियों नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की समस्त मात्रा को बुआई करते समय प्रयोग करें। तो नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई की 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई के समय खड़ी फसल में देना लाभप्रद रहता है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो साथियों जायद में बोई गई अर्थात अगर हम बुआई फरवरी में करते हैं तो सूरजमुखी की फसल में 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई की 30 से 35 दिन बाद करें। इसी अवस्था में आप नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा का उपयोग करें। द्वितीय सिंचाई आप प्रथम सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद फूल आने की अवस्था में करें। यूं अंतिम सिंचाई आप बीज बनने की अवस्था में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं साथियों कीट नियंत्रण की। तो साथियों सूरजमुखी की फसल पर एफिड, जैसिड, हरे रंग की सुंडी, हेड बोरर का प्रकोप अधिक देखा गया है। किसान मित्रों रस चूसक कीट एफिड जैसिड की रोकथाम के लिए आप इमिडिया क्लोरफिड प्रति हेक्टेयर यूं एसीटामिप्रिंट 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों सुंडी और हेड बोरर के नियंत्रण के लिए आप प्रोपिनफॉस 50 cc या फिर क्विनालफॉस 20 cc 1.5 लीटर को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें। बात कर लेते हैं रोग नियंत्रण की। तो साथियों सूरजमुखी की फसल में मुख्यतः रतवा, डाउनी मिल्ड्यू, हेड रोट और राजोफोस हेड और रोट जैसी बीमारियां देखने में मिलती हैं। साथियों पत्ती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। साथियों बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा की। तो साथियों सूरजमुखी में तोते से सर्वाधिक नुकसान देखा गया है। साथियों तोते दाने बनने से लेकर के पकने की अवस्था तक सूरजमुखी के बीजों को नुकसान करते हैं। साथियों बात कर लेते हैं कटाई और मड़ाई की। तो साथियों फसल की कटाई उस समय करें जबकि फूल का पिछला हिस्सा नींबू जैसा पीला रंग हो जाए और फूल जलने लग जाए। साथियों फसल तैयार समझना चाहिए। इसी स्थिति में आप फूल को काट करके खलिहान में लगभग 3 से 4 दिन तक सूखने के लिए छोड़ देवे। उसके बाद साथियों डंडे से पीट करके बीजों को निकाल लेवे। बात कर लेते हैं पैदावार क्षमता की। तो साथियों सूरजमुखी की फसल 90 से 105 दिन में पक्कर तैयार हो जाती है। अगर हम उन्नत विधि अपना करके इसकी खेती करें तो लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार आसानी से ले सकते हैं। किसान मित्रों इस प्रकार आप सूरजमुखी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।